ये वीडियो उन हजरात के लिए है जो इकोनॉमिकल बजट के अंदर यानी के 1,70,00,000 रुपए से लेके 2.25 करोड़ के बिटवीन इस आप लोग अगर अपना घर सर्च कर रहे हैं जिसके अंदर तमाम एमिनिटीज तमाम फीचर्स वाला घर आम जरूरत जिंदगी की चीजें जहां पर मौजूद हो तो हमारी ये सीरीज आज से स्टार्ट हो गई है जिसके अंदर हम लोग मैं कोशिश करूंगा कि एटलीस्ट मिनिमम साइड पे से 120 के घर कवर करूं। आने वाली वीडियोस के अंदर आपको ये देखने को मिलेंगे हमारे यूट्यूब पे भी इंस्टाग्राम पे भी फेसबुक पे भी और हमारे टिकटॉक अकाउंट पे भी। अस्सलामुअलैकुम, आप लोगों ने मेरी काफी सारी 120 के इंडिपेंडेंट बैंगलोर की वीडियो देखी है जो मैंने कैपिटल सोसाइटी के अंदर कवर करी है, लेकिन आप लोगों का शिकवा हमेशा यही रहता है कि वो प्रॉपर्टी 3 करोड़ या 3 करोड़ से अबव होती है। आज मैं आप लोगों के लिए स्कीम 33 एक और खूबसूरत सोसाइटी, एक बाउंड्री वॉल सोसाइटी जहाँ पे तमाम जरूरियात जिंदगी की हर चीज मौजूद है, बैंक से लेकर और नॉर्मल एमिनिटीज, पानी वाला, दूध वाला, मीट शॉप और तमाम तरीके के डिपार्टमेंटल स्टोर यहाँ पे बाउंड्री वॉल के अंदर मौजूद है। सोसाइटी का नाम है शादी टाउन शादी गार्डन। ये दो सोसाइटीज हैं जो कि बाउंड्री वॉल के साथ ही है, सेम बिल्डर की है। यहाँ पर 120 का एक ब्रांड न्यू बैंगलो हम लोग कवर करने के लिए आए और वो कैपिटल सोसाइटी से मिनिमम भी तकरीबन 1.5 करोड़ पे सस्ता बैंगलो आपको आज देखने को मिलेगा। फिनिशिंग टॉप नॉच, तमाम एक्सेसरीज अच्छी, इंपोर्टेड सैनिटरी, इंपोर्टेड इक्विपमेंट्स के साथ इस घर को बनाया गया है। तमाम डिटेल्स इस बैंगलो की हैं, लोकेशन से रिलेटेड, इसकी एलिवेशन से और डेवलपर ने आपको कौन कौन सी चीजें यहाँ पे लगा के दी गई है हम अपनी POV वीडियो के अंदर आज कवर करेंगे। जल्दी से अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं मौजूद हूँ इस खूबसूरत बैंगलो के बाहर। आपको इसकी खूबसूरत सी एलिवेशन नजर आ रही है। अगर मैं आपको इसकी लोकेशन गाइड करूँ तो ये कॉर्नर से 3rd बैंगलो है। सामने आपको मेन गेट नजर आ रहा है और अगर मैं इसकी लोकेशन बताऊँ तो इसकी बहुत ही इंप्रेसिव, बहुत खूबसूरत लोकेशन है क्योंकि शादी गार्डन का मेन गेट आपको सामने नजर आ रहा है और इस गेट से जैसे ही आप इंटर होंगे तो इंटर होने के साथ ही पहली गली में आते ही लेफ्ट हैंड साइड से अंदर ये आपको इसकी खूबसूरत सी एलिवेशन नजर आ रही है। अब हम चलते हैं इस बैंगलो के अंदर और आप देखते हैं कि डेवलपर ने आपको इस बैंगलो के अंदर कौन कौन सी चीज़ें लगा के दी गई हैं। बेसिकली ये प्लॉट्स हैं और अभी खाली है इसलिए यहाँ पर पार्किंग का कोई इशू नहीं होने वाला, लेकिन इस गली जो है वो भी अगर मैं आपको बताऊं तो 30 फीट की वाइड रोड यहाँ पे मौजूद है जो कि इजीली आपकी गाड़ी यहाँ पे पार्क हो सकती है। वह इस बैंगलो के दोनों साइड के ऊपर प्लॉट खाली है, यानी कि इन फ्यूचर तकरीबन को 5-6 साल तक जब तक ये प्लॉट सामने वाले या बराबर में नहीं बनते तो आपको गाड़ी की एटलीस्ट पार्किंग का कोई इशू नहीं होने वाला। इस बैंगलो के अंदर एंटर होंगे तो सामने पहली चीज जो आपको ग्रीट करेगी वो इसका कारपोर्ट एरिया है जहाँ पे इजिली मैरान या एक छोटी सेडान गाड़ी इजिली आ जाएगी। राइट हैंड साइड के ऊपर आपको स्टेयर नजर आ रही है ऊपर जाने के लिए और इसका एक सेपरेट गेट है। अगर आप इन फ्यूचर इसको रेंट आउट भी करना चाहें तो आप दे सकते हैं। नीचे आपको एज यूजल अवामी नक्शे के जो बनता है 120 का उसके लिहाज से आपको राइट हैंड साइड के ऊपर आपका टैंक और मोटर नजर आ रही है। सामने आपको पाउडर वॉशरूम, उसी के साथ आपके मेहमानों के लिए हाथ धोने की जगह के ऊपर आपको मिलेगा इसका ड्राइंग रूम एरिया। ऊपर आपको खूबसूरत सा सीलिंग वर्क देखने को मिलता है जिसको मार्बल के अंदर कलर किया गया है और उसी के साथ यहाँ पे आपको फ्लोर के ऊपर नजर आ रही है थ्रू आउट टाइल फ्लोरिंग। सामने आपको आज नजर आ रही है जो आपके ड्राइंग रूम को और आपके लाउंज एरिया को कनेक्ट करती है। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर अगर आप देखें तो सामने आपको नजर आ रही है इसकी विंडो वेंटिलेशन के लिए जो इंटर हो चुके हैं अपने लाउंज एरिया के अंदर। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मीडिया वॉल नजर आ रही है और उसी के राइट हैंड साइड के ऊपर आपको अवामी नक्शे के हिसाब से सामने आपको किचन एरिया नजर आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत मार्बल शेड के अंदर किचन को डिजाइन किया गया है ब्लैक एंड ग्रे के अंदर और जिस तरीके की शीट्स लगाई गई हैं आपको सुपर ग्लॉस के अंदर उसी शीट के कलर कॉम्बिनेशन के साथ आपको यहाँ पे मार्बल टॉप भी देखने को मिलता है। पहले से आपको 3 बर्नर वाला स्टोव और उसी के साथ आपका जो हॉब है वो प्री इंस्टॉल मिलता है। राइट हैंड साइड पे आपको आपके किचन की वेंटिलेशन नजर आती है, विंडो भी दी गई है और बहुत अच्छा डिसेंट स्टाइल के अंदर आपका किचन डिजाइन किया गया है। और ये जो आपका काउंटर टॉप है, काउंटर टॉप की नीचे वाली साइड पे भी यहाँ पे आपको कैबिनेट देखने को मिलते हैं। अब रह गए हमारे 2 बेडरूम्स, एक सीधे हाथ के ऊपर और एक उल्टे हाथ के ऊपर। जो राइट हैंड साइड वाला मास्टर बेडरूम है
अगर आप लोग इस घर के अलावा प्लॉट भी खरीदना चाहते हैं तो शादी टाउन और शादी गार्डन के अंदर हमारे पास 120 गज 240 400 और 600 गज के रेजिडेंशियल प्लॉट्स अवेलेबल हैं फॉर सेल। आप लोग हमसे उसके लिए भी रابطہ कर सकते हैं। हमारे पास बहुत अच्छी लोकेशंस के प्लॉट भी अवेलेबल हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये सोसाइटी एक बहुत अच्छी है। अगर मैं आपको प्लॉट की एक रेंज बताऊं तो शादी टाउन और शादी गार्डन दोनों को मिला के यहां पर इस वक्त 120 गज का जो प्लॉट है वो स्टार्टिंग प्राइस है 60 लाख रुपए और डिपेंड ऑन लोकेशन और ब्लॉक के हिसाब से यहां पर प्राइस जा रही है 80 लाख रुपए तक। और अगर आप लोग एक प्लॉट भी खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे रابطہ कर सकते हैं। चलें अब हम अपनी वीडियो की तरफ दोबारा रिटर्न होते हैं। इसके अंदर आपको कंसील वार्डरोब पहले से मिलती है जो कि राइट हैंड साइड के ऊपर दी गई है। अगर मैं साइज़ की बात करूं तो इसका जो साइज़ दिया गया है वो 12x13 का इसका बेडरूम का साइज़ दिया गया है, यानी कि सिर्फ आपको यहां पर अपना बेड इंस्टॉल करना है और एक आपको अपनी वैनिटी इंस्टॉल करनी है, ड्रेसिंग टेबल जिसको कहा जाता है वो इंस्टॉल करनी है। जो बेसिक एक नेसेसिटी होती है वार्डरोब की वो पहले से डेवलपर की तरफ से दी गई है। थ्रू आउट टाइल आपको पूरे फ्लोर के ऊपर नज़र आ रहा है, सीलिंग वर्क नज़र आ रहा है देखने के लिए। 8 फिट हाइट के आपको दरवाजे देखने को मिलते हैं। ये आपका वॉशरूम एरिया है और अच्छा डिसेंट स्पेस वॉशरूम का अवेलेबल है। यहाँ पर सैनिटरी तमाम इंपोर्टेड लगा के दी जा रही है आपको। और ये लेफ्ट हैंड साइड पे जब आप देखेंगे तो ये आपका वॉशिंग एरिया अवेलेबल है। साइड पे आपको यहाँ पे गीजर की फिटिंग नजर आ रही है, उसी के साथ वॉशिंग मशीन है उसके कनेक्शन नजर आ रहे हैं। और अगर आपको वैसे ही कपड़े वगैरह को वॉशिंग करनी है तो धोने का जरा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। उसी के साथ साथ एक खास चीज और मुझे और नजर आई कि तमाम सीवरेज के जो कनेक्शन है वो यहाँ पे आगे ओपन होते हैं कि अगर इनकेस इन फ्यूचर में 8 से 10 साल में आपकी सीवरेज में कोई इशू आता है तो आप वहाँ से खोल के भी अपनी जो सीवरेज के मसाइल हैं उसको कोई ब्लॉकेज है तो आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। उसी के साथ ये आपका सेकंड बेडरूम आ गया है। इसका साइज भी बिल्कुल सेम टू सेम है 12x13 का। थ्रू आउट फॉल सीलिंग आपको हर जगह मिलती है, हर बेडरूम के अंदर मिलती है। थ्रू आउट टाइल आपको भी मिल रहे हैं। 8 फिट के दरवाजे, वेंटिलेशन के लिए विंडो, सामने अटैच वॉशरूम, एक डिसेंट वॉशरूम यहाँ पर अवेलेबल है देखने के लिए। और सामने आपका एक खूबसूरत सा आपका भाई नज़र आ रहा है। और लेफ्ट हैंड साइड पे देखा जाए तो यहाँ पर आपको कमोड मिलता है। जो प्रीवियस वॉशरूम हमने कवर किया है उसके अंदर आपको WC देखने को मिलता है, यहाँ पे कमोड देखने को मिलता है। अब उसी के साथ हम चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। अगर आपको स्टेट्स की मार्बल की बात करूँ तो यहाँ पे आपको ग्रेनाइट का मार्बल नजर आता है। लेफ्ट हैंड साइड पे SS रीलिंग देखने को आपको मिलती हैं और अच्छा डिसेंट स्पेस 3.5 फिट का यहाँ पे स्टेयर्स का मौजूद है। और उसी के लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे आपका आ जाता है टेरेस एरिया। टेरेस आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत तरीके से इन्होंने टेरेस को डिजाइन किया गया है। सामने अगर घर बन जाए, बेपर्दगी की वजह से उन्होंने आपने देखा होगा सामने CNC कटिंग के अंदर इन्होंने यहाँ पे ग्रिल लगाई गई है। इन फ्यूचर यहाँ पर जब घर बन जाएगा तो आपको ये मसला भी जो है ना पेश नहीं आएगा और इससे आपकी एलिवेशन के अंदर भी खूबसूरत और एक एलिगेंट स्टाइल आपको देखने को मिलता है। वही सेम प्रोसीजर है यहाँ पर भी, सेम आपको सीलिंग वर्क देखने को मिलेगा, थ्रू आउट टाइल देखने को मिलेंगे। अंदर जैसे ही आप आएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर आप देख सकते हैं ये कितनी खूबसूरत स्टाइल के अंदर यहाँ पे आपको इसकी विंडो देखने को मिलती है जो आपकी एलिवेशन को भी एक मॉडर्न लुक देती है। लेफ्ट हैंड साइड पे वही सेम लेआउट आपको लाउंज के साथ 2 बेडरूम मिलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे किचन और उसी के साथ मीडिया वॉल। मीडिया वॉल का डिज़ाइन आपको फर्स्ट फ्लोर के ऊपर थोड़ा सा अलग देखने को मिलता है और अच्छी एलिगेंस की यहाँ पे शीट लगाई गई है पावर्ड बाय पार्टेक्स और ये एक नामवर ब्रांड है, एक अच्छी कंपनी की यहाँ पर एसेसरीज और तमाम चीज़ें लगा के दी गई हैं आपको। लेफ्ट हैंड साइड पर अगर आप किचन देखें तो पर्सनली अगर मैं बताऊँ तो आपको ग्राउंड फ्लोर से ज़्यादा अच्छा जो मुझे कलर कम्बिनेशन लगा है वो फर्स्ट फ्लोर के किचन का लगा है, क्योंकि ब्लैक कलर के मार्बल के ऊपर बहुत ज़्यादा जल्दी जो है इंसेक्ट्स पैदा हो जाते हैं। इसलिए उस अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये वाला जो मार्बल का कलर है ये बड़ा खूबसूरत लगता है। और यहाँ पर एक चीज़ की और एडिशन है, यहाँ पर आपको एक पाकिस्तान की झंडियों के साथ साथ यहाँ पर आपको बॉटल नेक भी देखने को मिलता है जो आपके ग्राउंड फ्लोर के किचन के अंदर नहीं था। और 3 बर्नर वाला स्टोव और उसी के साथ आपका हुड आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलता है। अगर राइट हैंड साइड पर देखें तो वही सेम आपको बेडरूम देखने को मिलता है, सामने सीलिंग वर्क देखने को मिल रहा है, बड़ी खूबसूरत शेड लाइट। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको कंसील वार्डरोब देखने को मिलती है, सामने आपका अटैच वॉशरूम है। इसके शॉट्स आपको मॉन्टाज के अंदर नज़र आ जाएंगे। वीडियो का रैपअप करने के लिए मैं जल्दी जल्दी आपको दिखा रहा हूँ कि जैसी तरीके से वही सेम 12x13 का बेडरूम ये 12x13 का बेडरूम ये अलॉन्ग विद अटैच वॉशरूम, सामने आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो, ऊपर सीलिंग पर शेड लाइट का बहुत खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल किया गया है। और अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। अब जहाँ तक बात रही इस बंगलो की प्राइस की तो डेवलपर की तरफ से इसकी जो प्राइस की जा रही है वो है 2 करोड़ रुपए। प्रॉपर्टी लीज है, ग्राउंड प्लस 1 का इंडिपेंडेंट बंगलो है 120 गज का, जिसकी आपने आज ये प्रॉपर एक इनसाइड टूर आपने देखा। अगर आप ये प्रॉपर्टी
खरीदना चाहते हैं तो हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। और बेंगलोर पे अगर आप विजिट करना चाहें तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो है वो आपको ऑफिस टाइमिंग के अंदर रिस्पॉन्ड भी करेंगे और आपको एक अच्छा मशवरा भी देंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।